देखिए, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे कि हिंदुस्तान में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर होने की हैसियत से अगर इस मंच पे मुझे बुलाया गया है तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी वो ये है कि जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक मौका दें ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी प्रतिभा को हाईलाइट कर सकें और थाने को एज ए डेस्टिनेशन प्रमोट कर सकें। यही हमारा मकसद है और इंशाल्लाह इस मकसद में हम लोग कामयाब होंगे। बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, उनको नर्चर करने की ज़रूरत है और मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और मतलब कोई कोई बच्चे तो इतने अमेजिंग थे, इतनी छोटी उम्र में, 5 साल की उम्र में, मतलब एक्सप्रेशन क्या, ये समझना उनके लिए मतलब मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। और ये अच्छा होगा कि आप उनको उनका मार्गदर्शन करें और उनको आगे बढ़ने की हिम्मत दें। इट्स रियली वाव फैक्टर। बेसिकली बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है, जैसे कि शाई नहीं थे, जैसे हम लोग बड़े होते शाई हो जाते, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था इनका। आई रियली रियली हैट्स ऑफ देम, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी सारे थाना में हमारे इवेंट्स होते हैं, बट ऐसा किड शो अभी तक मैंने थाना में देखा नहीं था। और काफ़ी सारे बच्चे आ रहे, इन्वॉल्व हो रहे थे, मुझे लगता है कि ये चांस होना चाहिए, देना चाहिए उनको। इसके लिए मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ पूरा इस इवेंट्स में। मेरा ये मानना है कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक बाप की कमाई वाले और एक आप की कमाई वाले। जो आप की कमाई वाले होते हैं, मेरे जैसे वैसे लोगों को देख के मुझे बहुत प्रेरणा हासिल होती है, मुझे बहुत मतलब एक एनर्जी मिलती है। और यहाँ जो बच्चों को मैंने देखा है, मैंने ये चीज़ देखा है कि उनमें वो क्षमता है, भले उनके बाप में कमाने की ताकत हो या नहीं हो, लेकिन इस उम्र से इतने टैलेंटेड है कि अगर उनको एक मौका मिले चाहे हॉलीवुड में या बॉलीवुड में, इंशाल्लाह दे विल मेक अ ह्यूज सक्सेस इन देयर करियर, आई एम कॉन्फिडेंट। सर, आजकल इतना एपिसोड आ रहे हैं बच्चे के ऊपर अलग अलग टीवी शो पे, तो ये किस तरह आप आगे उसको बच्चे को टीवी शो पे कोई भी लेके जाएंगे, किस तरह रूट देंगे, किस तरह प्रमोट करना चाहेंगे? देखिए, किसी ज़माने में हु द फक इज कॉफिंग एट द बैक, हु इज इट, प्लीज थ्रो दैट पर्सन आउट। पीछे खांसी कौन कर रहा है बार बार, कौन खांस रहा है पीछे बार बार? यार मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, कौन खांस रहा है? अरे उधर से आवाज़ आ रही है खांसने की, और आप बोल रहे हो कोई खांस रहा नहीं है। नो सर, लेट देम गेट आउट, वी कांट हैव पीपल कॉफिंग इन द बैकग्राउंड। फिर से सवाल करिए आपका। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि जो इतने सारे आजकल बच्चे के लिए शो आ रहा है, तो ये आपके माध्यम से बच्चे को कितना प्रमोट करेंगे, किस तरह लेके जाएंगे? देखिए, हर इंडस्ट्री की एक यूनिक डिमांड और एक सैक्रिफाइस होती है, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनको हैंडल करने का एक इंसानी तरीका बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं उनको खुद पहले इस इंडस्ट्री की तमीज़ और तहजीब के बारे में वाकिफ होना ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ वो बच्चों को सिखा सके और उस पर इंशाल्लाह बच्चे अमल कर सकें। रही बात आपके सवाल की कि इसको हम आगे कैसे ले जाएंगे, हमने मन बना लिया है एक टैलेंट एजेंसी स्थापित करने का, जो थाने में स्थित हो, और जो यहाँ के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको बॉलीवुड और हॉलीवुड तक उनका जाना आसान कर सके। तो आप उन बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं कविता बोलना चाहूंगा आपकी इजाजत से। चढ़ते जाओ जीवन पथ पर खुशियों के सोपान, पूरे हों सब सपने, हासिल हो उद्देश्य महान। और यहाँ मैं हर बच्चे को एक आशीर्वाद देना चाहूंगा, आयुष्मान भव, आशुतोष भव, संपूर्ण भव। और आप जस्ट किस तरह बच्चे को पढ़ते हैं, कौन सी एंगल से करते हैं, उसमें क्या टैलेंट है, अलग अलग लोगों पे जज करना पड़ता है, तो किस तरह करते हैं? पहली बात कि हम जब उनको बच्चा बोलते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, राइट? मेरा ये मानना है कि हर बच्चा एक हीरा है, अमूल्य है, और उस बच्चे को और उसकी प्रेरणा को, उसकी प्रतिभा को हाईलाइट करना, उसको प्रोत्साहन देना हर इंसान की सामाजिक जिम्मेदारी है। और यहाँ मैं अनुरोध करूँगा पेरेंट्स से, खास करके पेरेंट्स से, कि मेहरबानी करके अपने बच्चों को प्रेशर में मत डालिए, क्योंकि जहाँ प्रेशर आता है वहाँ प्लेजर नहीं हो सकता। तो ये एक्सपीरियंस हम इस प्रयास में है कि ये जो एक्सपीरियंस है उनका हमारे साथ, वो उनके जीवन का एक ऐतिहासिक अनुभव बन के रह जाए, ताकि इस इंडस्ट्री का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो उनका रहा है, इट इज़ अ प्लेजेंट एंड अ पॉजिटिव वन। मैं आपका क्या कहना चाहूंगा?
बच्चों में टैलेंट तो है ही है, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलने की ज़रूरत है। क्या कि हम फिल्मों के सॉन्ग से बहुत प्रभावित हैं और बहुत बच्चे फिल्मी सॉन्ग पर डांस करते हैं, और कोई कोई फिल्मी सॉन्ग्स इतने डबल मीनिंग वाले होते हैं, उन पर हाव भाव बच्चों के वो बड़ों की तरह करने लगते हैं। तो हमें ये पेरेंट्स को भी गाइड करना है कि बच्चों को बच्चे ही रहने दें, बच्चों का बचपन न छीन लें। अभी आपने देखा वेरी पैशनेट इन देयर हॉबीज, काफ़ी सारा अच्छा टैलेंट है थाना में, तो हमें लगता है कि आज सचिन स्टूडियो निकल के आया है, इनको काफ़ी सारे गिफ्ट्स एंड एनुअल पैकेजेस बांट रहा है बच्चों में गिफ्ट्स के, तो मुझे लगता है थाना में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है वो इन्वॉल्व हो जाए और हमारे थाने के बच्चे पूरे ग्लोबली जाए, ऐसे मुझे लगता है। यस डेफिनेटली, बेस्ट लक ऑल स्टूडेंट ऑल पार्टिसिपेंट। सचिन स्टूडियो से आपको ढेर का बधाइया और यहाँ आके अपना अच्छा टैलेंट दीजिए बाटिया। थैंक यू। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हर इंसान को जीवन में एक स्वर्ण मौका मिलता है अपने व्यक्तित्व से दुनिया को प्रभावित करने का। उसका एक तरीका मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक फॉर्मूला बनाया मैंने, 6 wives and 1 husband। तो जैसे W से आता है वाइफ, बिल्कुल उसी तरीके से आता है विश। जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो, आपको उस इंसान का सम्मान करना है, उनका आदर करना है, उनको विश करना है। उसके बाद जैसे W से आता है विश, बिल्कुल उसी तरीके से W से आता है हु यानी कि कौन, W से आता है व्हाट यानी कि क्या, W से आता है व्हेन यानी कि कब, W से आता है वेयर यानी कि कहां, W से आता है व्हाई यानी कि क्यों, और H से आता है हस्बैंड यानी कि हाउ। तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो किसी को, आपको एक स्वर्ण मौका मिला है उस इंसान को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने का। और अगर आप कम्युनिकेशन के माध्यम से इस फॉर्मूला को इख्तियार करें, इंशाल्लाह दुनिया में आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसा है कि हम लोगों ने बच्चों के लिए जो ये किड्स का एक हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, उसमें हमने बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोच के रखी हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट राउंड में भी आप आए थे, आपने देखे थे, फर्स्ट ऑडिशन राउंड में भी काफ़ी सारे बच्चों ने उसका फ़ायदा उठाया है, और आज दूसरा राउंड हो चुका है। अब जो विनर्स होंगे उन्हें हम हमारे एंड से हम जितनी ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो हमारे से अच्छा हो सकता है, हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड है, और जितना हम दे सकते हैं उतना दे के हम उन्हें आगे प्रमोट करने की ट्राई करेंगे, और मे बी वो सब कुछ सक्सेस ही होगा क्योंकि उन्हें हमें काम प्रमोट करने वाले कोई नहीं है, वो खुद ही बहुत टैलेंटेड है। जो भी देखेंगे या उन्हें जो भी समझेंगे वो खुद ही उनको मौका देंगे। First of all, I would like to say Mumbaikars and every Indians namaste for the same. And myself Nikita Prajapati, I'm the general manager of Coronet Innovations. Like Kiddies is our mission. Like basically, हमने ये mission ऐसे मुकाम पे सोचा है जहाँ पर हम every kid, like जो भी छोटे मोटे kids होते हैं, the age group is between 5 to 11, and not only 5 to 11 but angel group भी है हमने बनाया है, जो below 5 years के भी है, between 2 to 5 उनके लिए भी एक group बनाया है। तो हम ये इनमें जो भी बेस्ट हो गए उनमें से उनको हम नॉट ओनली टू बॉलीवुड इज वेरी इजी टू गेट इनटू इट, बट हम ये बॉलीवुड टू हॉलीवुड का जो गैप है वो भी अभी मिस आउट करना कम करना चाहते हैं। एंड उनको नॉट ओनली फॉर दिस फॉर नॉट ओनली टिल 28 को तो सिर्फ ग्रैंड फिनाले विद इन थाने, बट हम ओवरऑल इंडिया में ग्लोबली उनको ये करना चाहते हैं, और उनको हम सपोर्ट करेंगे, पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे उनको। तो यही हमारा मिशन है। थैंक यू। एब्सोल्युटली। हाय नमस्कार, मी जानवी किलेकर। बच्चे तो हर एक बच्चा विनर ही है आज का, क्योंकि थाना में तो बहुत सारा टैलेंट है, और आज मुझे देखने को मिला कि थाना में ऐसे बहुत सारे बच्चे कि बहुत टैलेंटेड है पर उनको आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जो आज यहाँ पे मिला है उनको किड्स फैशन शो के। सो थैंक्स टू यू बोथ ऑफ यू, इट्स आवर प्लेजर सर। तो मेरे ख्याल से तो हर एक बच्चा विनर है, और फर्स्ट राउंड भी वैसा ही था और सेकेंड राउंड भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से सब भी बच्चे बहुत ग्रेट है, तो आई डोंट नो कौन विनर होगा, बट सभी बच्चे मेरे ख्याल से तो सभी बच्चे विनर है। थैंक यू। इन्होंने जो बोल दिया वो पॉइंट में दोहराऊं नहीं। मैं संक्षेप में सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि आज के जमाने में
टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन देना, उनको सही तमीज़ और तहजीब सिखाना, ये पेरेंट्स की भी सामाजिक जिम्मेदारी है, हम ऑर्गेनाइजर्स की भी सामाजिक जिम्मेदारी है, और इसी लक्ष्य में हम लोग कामयाब होंगे, इतना मैं विश्वास के साथ बता सकता हूँ। See, I am under me, I've got 14 schools at different part of India, and I'm an external officer. It's a good question you ask, how do you support a child and what action you take for a child? Today, safety and security of child is very, very important. And I personally feel you should go for an audition only those places where the child is secured in all the angles. The parking place, proper washrooms, CCTV footage is everywhere, which are monitored by the school authorities, and making sure the lady support staff is more at the time of your auditions. So this, today every parent is worried or scared of sending their child anywhere for the competitions or anywhere auditions, ke kahin kuch galat na ho jaye. So I personally believe being into forces, safety and security of the child is must, and please try to make sure wherever the auditions are there, the lady staff should be more than the male staff. That will keep the arena of the theme in a right way, on a right track. Other questions, please? ऑडिशन में भी बच्चों ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया था और उन्होंने काफ़ी सीखा भी, सर ने सिखाया, हम जजेस ने उन्हें बताया, वो इम्प्रूवमेंट हुआ। और सेकंड ऑडिशन बेटर था और बच्चों ने काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ किया उन्होंने। अब उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो रही है तो वो फिनाले में आप देखेंगे कि आपने फर्स्ट डे भी देखा उन्हें और अभी आप फिनाले में देखें तो आपको डिफरेंट पता चल जाएगा कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग दिस सेशन। And how do you feel? But I'll answer it. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। नमस्ते, मेरा नाम अंगद सिंह ओबराय है। हमारी कंपनी का नाम फोर्थ एप्पल है इवेंट्स। वी आर जस्ट एन इवेंट पार्टनर। द मेन कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कोरोनेट इनोवेशंस। जो रविंद्र और निकिता ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और हमने उनका साथ दिया है, कीडीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बच्चे लोग के टैलेंट को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। थाने एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत टैलेंट है। सी पी गोइंग का इंटरनेशनल स्कूल थाने ने हमें ये वेन्यू एज अ वेन्यू पार्टनर है, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि ये टैलेंट को हम इंक्रीज करें और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाए। वी ऑल्सो लाइक टू थैंक आवर अदर स्पॉन्सर्स लाइक सोनी वाई चैनल एंड किड्सडेनिया। दिस आर द टू सच बिग ब्रांड्स जो थाने के ऐसे इवेंट को आके स्पॉन्सर में हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि जब हम इससे बड़ा कुछ इवेंट करेंगे उसके लिए भी वो सपोर्ट करेंगे, जैसे सर हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मेन मोटिव तो आपको बताया गया है, प्लस 28th को, 28th ऑफ दिस मंथ, सेम सी पी गोइंग का इंटरनेशनल स्कूल में हमारा फिनाले होने वाला है, जिसमें जो फाइनल पार्टिसिपेंट्स है उनको पहले ग्रूमिंग देने के बाद हम वो फाइनल इंटरव्यू, फाइनल जो राउंड होगा वो करेंगे। एंड उसमें हमने बहुत सारे गुडीज हैं जो भी हमने प्रॉमिस किया है, जैसे उनको रोल मिलेगा बॉलीवुड में, चांस मिलेगा काम करने के लिए, एंड अदर गिफ्ट्स आर ऑल्सो देयर। थैंक यू।